أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على मोहम्मद वाली मोहम्मद फातिहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अन्नबिय्यिल मुमज्जद अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून। सलावात व मुहम्मद व आले मुहम्मद। आलम बहरोबर का खालिक, अक़ली में अर्ज़ व समा का मालिक, वो खालिक आदिल कि जिसने हर दौर में, हर ज़माने में भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाने का इंतज़ाम फ़रमाया। अम्बिया भेजे, रसूल आए, किताबें नाजिल कीं। गरज़ ये कि कोई दक़ीक़ा उस परवरदिगार ने इस इंसान की हिदायत का बाक़ी न रखा। बड़ा बदकिस्मत है इंसान अगर अब भी वो हिदायत हासिल ना कर सके। सामित किताबों के साथ नातिक रसूल और चुप सहीफ़ों की तर्जुमानी के लिए बोलते हुए इमाम उसी ने हर दौर में भेजे। सिलसिला हिदायत का आगाज़ हज़रत आदम से हुआ और ये सिलसिला नबुवत और रिसालत सरवर कायनात पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म और तमाम हो गया। लेकिन इस पूरे सिलसिले पर अगर आप नज़र करेंगे तो हर आने वाला रसूल या नबी अपने साथ कुछ मोजज़ात लेकर आया है। ये मोजज़ात जो अम्बिया को दिए गए थे, ये ना मजमा इकट्ठा करने के लिए दिए गए थे, ना लोगों का दिल बहलाने के लिए, बल्कि ये इतमाम हुज्जत का एक ज़रिया थे। इसीलिए कोई भी नबी या रसूल या इमाम हो वह ख़ुद मुजज़ा पेश नहीं करता। जब इनकार करने वाला इनकार करता है और कहता है कि अगर आप सच्चे हैं तो हमें ऐसा करके दिखाइए, उस वक्त नबी अपनी नबूवत की दलील में, रसूल अपनी रिसालत की दलील में और इमाम अपनी इमामत की दलील में मोजिज़ा पेश करता है। और चूँकि मोजिज़ा दलील नबूवत के तौर पर होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि जैसा दौर था उस दौर के नबी को वैसा ही मोजिज़ा अता किया गया। हज़रत मूसा के ज़माने में अगर जादू का ज़ोर था तो आपको मोजिज़े के तौर पर असा अता किया गया। हज़रत ईसा के ज़माने में अगर हिकमत उरूज पर थी तो आपको ये मोजिज़ात दिए गए कि आप नाबीना को बीना किया करते थे, बीमारों को शफ़ा दिया करते थे, मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। इन तमाम मोजिज़ात का तस्करा परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में किया है। सरवर कायनात पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग शुरू की है तो अपने इस हबीब ख़ास को भी परवरदिगार आलम ने बहुत सारे मोजिज़ात से नवाजा, बहुत सारे मोजिज़ात अता फ़रमाए। बराबर आप बफ़ैज़ मजालिस सुनते रहते हैं और आपको मालूम है कि कभी अगर संग्रेज़ों को अपने हाथों पर ले लिया तो वो पत्थर के टुकड़े तस्बीह परवरदिगार करने लगे, कलमा पढ़ने लगे। दीवार की तरफ इशारा किया, दीवार अपना रंग बदलती हुई नज़र आई। दरख्तों की जानिब से गुज़र गए, दरख्त ताज़ीम के लिए झुक गए। सूरज की तरफ इशारा किया, डूबा हुआ सूरज अपने मरकज़ पर वापस आ गया। चाँद की तरफ इशारा किया, चाँद दो टुकड़े हो गया। ये सारे मोजिज़ात सब हक़ भी हैं, सच भी हैं। कोई साहिब ईमान इन तमाम मोजिज़ात के बारे में किसी किस्म का शक और शुबा नहीं कर सकता। लेकिन बात अपनी जगह पर है कि अगर ये सारे मोजिज़ात दलील नबूवत के तौर पर हैं तो पैगम्बर अकरम की नबूवत और रिसालत पर उन लोगों के लिए मोजिज़े दलील हो सकते हैं जिन्होंने अपनी आँखों से सूरज को पलटते देखा है, जिन्होंने अपनी आँखों से चाँद को दो टुकड़े होते देखा है, जिन्होंने पैगंबर के हाथ पर पत्थर के टुकड़ों कलमा पढ़ते देखा है। हम जिस दौर में पैदा हुए हैं, आज हमारे सामने न ये कोई मोजिज़ा है और न हमारे सामने ज़ाहिरी तौर पर पैगंबर अकरम मौजूद हैं। लिहाजा अगर कोई सवाल करे कि इस वक्त तुम्हारे पैगंबर का कौन सा मोजिज़ा है, आप याद रखें कि चूँकि सरवर कायनात की रिसालत व नबूवत क़यामत तक बाकी रहने वाली थी, ये तो सारे मोजिज़ात वक्ती थे। सूरज एक बार वापस हुआ, मोजिज़ा ख़त्म हो गया। चाँद एक बार दो टुकड़े हुआ, मोजिज़ा ख़त्म हो गया। लेकिन चूँकि आपकी रिसालत व नबूवत क़यामत तक बाकी रहने वाली थी, लिहाजा ज़रूरत थी कि जब तक नबूवत बाकी रहे, जब तक रिसालत बाकी रहे, आपका कोई मोजिज़ा बाकी रहे। बस पैगंबर अकरम के क़यामत तक उसी बाकी रहने वाले मोजिज़े का नाम है कुरान करीम। कुरान पैगंबर अकरम का क़यामत तक रहने वाला एक ऐसा मोजिज़ा है जिसकी आयात पर नमाजी का कोहर है, न गुज़रे हुए ज़माने की अफसरदगी है। कुरान ताज़ा भी है, ताज़गी बख्श भी है, ज़िंदा भी है, ज़िंदगी अता करने वाला भी है। लेकिन इंसान ख़ुद कम से कम ये जानता हो कि ज़िंदगी किसे कहते हैं और मौत किसे कहते हैं। ज़ाहरी तौर पर हम हर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते इंसान को देख कर ये समझते हैं कि ज़िंदा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमारी नज़र में ज़िंदा है वो कुरान की नज़र में भी ज़िंदा हो। दुनिया वालों ने फ़लसफ़ा मौत व हयात क्या बनाया है, वो उनका फ़लसफ़ा अलग है और कुरान का फ़लसफ़ा मौत व हयात अलग है। कुरान मजीद ही की आयात हैं कि जहाँ चलते फिरते इंसानों को ये कुरान सूखी हुई लकड़ी के बराबर करार देता है। मुनाफिकीन के लिए इरशाद हुआ, कान नहुम खुशब मुसन्नदा, ये ऐसी खुश्क लकड़ियाँ हैं जो दीवार के सहारे खड़ी कर दी गई। यानी इसका मतलब इनमें आसार हयात नहीं पाए जाते, इनमें ज़िंदगी के आसार पाए ही नहीं जाते। ये मुर्दों के मिसल हैं। एक दूसरी जगह पर कुरान मजीद में इरशाद होता है कि ज़ाहरी तौर पर जो इंसान है उन्हीं के लिए इरशाद हुआ कि उलाइका कलनाम, ये सब चौपाएँ हैं, जानवर हैं। बल हुम अज़ल, जानवर तो फिर अच्छे हैं, ये जानवरों से भी गए गुज़रे लोग हैं। इसी तरह एक तीसरे मकाम पर चलते फिरते इंसानों को मिसले मुर्दा करार दिया गया। इरशाद होता है, हम हसबल्लज़ीन तरहुस्सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनु वअमिलुस्सालिहात सवाम महयाहुम व मातहुम। ये लगातार मुसलसल कंटिन्यू पै दर पै गुनाहों पर गुनाह करने वाले, क्या इन्होंने ये सोच रखा है कि हम क़यामत के दिन उन लोगों के बराबर कर देंगे इन लोगों को जो ईमान लाने वाले और अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं? नहीं, इनकी मौत और ज़िंदगी सब बराबर है। जिसका मतलब ये अगर ये ख़ुद अपनी मौत आप मर जाएं तो ये मुर्दे मरे हुए तो है ही, लेकिन इनके जिस्म की हरकत, इनका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना देकर ये न समझना कि ये ज़िंदा हैं, ये सब चलती फिरती मैयतें हैं, ये सब हरकत करते हुए जनाजे हैं, वरना इनमें आसार हयात, आसार ज़िंदगी तो कहीं से कहीं तक पाए नहीं जाते। तो कुरान का फ़लसफ़ा मौत व हयात समझने की ज़रूरत है। एक तरफ हमारे जैसे चलते फिरते इंसानों को कुरान मिसल मुर्दा करार देता है और दूसरी तरफ उन लोगों की ज़िंदगी का ऐलान करता है जिनका गला काटा जा चुका है, जिनका तन कहीं है, सर कहीं है। दो आयतें हैं शहीदान राह खुदा की ज़िंदगी से मुतालिक़ कुरान मजीद में, एक सूरह बकरा में है जिसमें इरशाद हुआ कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, मत कहना उसको मुर्दा जो अल्लाह की राह में कत्ल किया गया है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हारे पास इतना शऊर, इतना सेंस, इतनी समझ नहीं है कि तुम उस ज़िंदगी को समझ सको ज़िंदगी कत्ल होने के बाद अल्लाह ने इसे अता की है। लिहाजा इंसान अगर परवरदिगार की ज़ात पर ईमान रखता है तो सिर्फ ज़ात ही पर ईमान नहीं रखना है, उसकी बात पर भी ईमान रखना है। खालिक़ मौत व हयात की हैसियत से परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया कि हम ज़िंदगी देने वाले और हम ही मौत देने वाले, हम ऐलान करते हैं कि अगर ये हमारी राह में कत्ल किया गया है तो ख़बरदार न कहना कि ये मर गया है, बल्कि ये ज़िंदा है और वो ऐसी ज़िंदगी मिली है जिसको तुम समझ नहीं सकते। और फिर सूरह आल इमरान की आयत जिसको मैंने उन्वाने बयान करार दिया, जिसमें इरशाद होता है वला तहसबन अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि गुमान भी न करना। वहाँ ज़बान पर पाबंदी लगाई गई, यहाँ गुमान पर पाबंदी लगाई जा रही कि ख़याल भी न करना, तुम्हारे वहम व ख़याल व गुमान में ये बात ना आने पाए कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए वो मर गए, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं। और अगर तुम ज़िंदगी का दारो मदार रोज़ी पर समझते हो तो सुनो इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब से रोज़ी पा रहे हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया रोज़ी पा चुके, यानी मुसलसल अल्लाह की तरफ से उन्हें रोज़ी मिल रही है, और ज़ाहिर है जब उन्हें मुसलसल रोज़ी मिल रही है तो इस रोज़ी के ज़रिए उनको ज़िंदगी मिल रही है। अल्लाह की तरफ से मिलने वाली रोज़ी भी है और अल्लाह की तरफ से मिलने वाली ज़िंदगी भी है। तो ये शहीदान राह खुदा की ज़िंदगी का ऐलान परवरदिगार आलम ने इस आयत में किया है कि जो उसकी राह में कत्ल कर दिए जाते हैं वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। लेकिन रिस्क परवरदिगार आलम ने कभी किसी का बंद नहीं किया। जब उसने फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, यजीद, फ़िरौन जैसों का रिस्क नहीं बंद किया तो हमारा और आपको क्या बंद करेगा। हर एक को रोज़ी देता है और शायद यही वजह है कि मंजिल मुनाजात में हज़रत मूसा जब बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं परवरदिगार ये फ़िरौन तेरे मुकाबले पर आकर खुदाई का दावा करने वाला हो, तू बराबर उसे रोज़ी देता जा रहा है। तो इरशाद हुआ मूसा अगर वो अब्दियत से फिर गया तो क्या मैं अपनी रुबूबियत से फिर जाऊँ। वो अगर मेरी बंदगी नहीं करता है तो मैं तो रब हूँ, मैं तो पालने वाला हूँ, खालिक मैं हूँ, मालिक मैं हूँ। अगर वो अब्दियत से फिर गया तो क्या मैं अपनी रुबूबियत से फिर जाऊँ। तो हर एक को रोज़ी देता है। तो जब हर एक को रोज़ी देता है तो जिन लोगों ने सब कुछ उसकी राह में क़ुरबान कर दिया, अपनी जान क़ुरबान कर दी, क्या उनको कोई मामूली रोज़ी देगा? नहीं, मामूली रोज़ी नहीं देगा। कुरान मजीद ही हमें सहारा देता है वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की सुम्मा क़ुतिलू, वो दयार से बेदयार कर दिए गए, वतन से बेवतन हो गए, लेकिन अपने को बचाने के लिए नहीं, दीन खुदा को बचाने के लिए, कानून इलाही को बचाने के लिए, तौहीद और रिसालत और नबुवत और इमामत और क़यामत के अक़ीदों को बचाने के लिए, जो वतन से बेवतन हो गए, दयार से बेदयार हो गए, घर से बेघर हो गए। वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह, जिन्होंने लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की सुम्मा क़ुतिलू, फिर वो कत्ल कर दिए गए हिजरत के बाद, औ मातू, अगर कत्ल न भी किए जाएँ, ये ख़ुद मर जाएँ, लयरज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, तो अल्लाह ऐसे लोगों को रिज़्क़ हसन देगा, बेहतरीन रोज़ी देगा। इसका मतलब शहीद राह खुदा को अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ हसन मिल रहा है। और जब रिज़्क़ हसन मिलता है तो इस रिज़्क़ हसन को वो क्या करते हैं? क्या ये जमा करके रख रहे हैं कि आज नहीं कल काम आएगा या परसों काम आएगा? नहीं, ये तकसीम करते हैं। कुरान मजीद ही की आयत है वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसनन फहुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, कि हम जिसे भी रोज़ी देते हैं परवरदिगार आलम जिसे भी रोज़ी देता है, हम जिसे भी रिज़्क़ हसन देते हैं वो इस रिज़्क़ को ख़र्च करता है, कभी मुट्ठी बंद करके देता है और कभी खुल्लम खुल्ला तक़सीम रिज़्क़ करता है। इसका मतलब अगर इन आयात की रोशनी में ये कहा जाए कि चाहे मदीना मुनव्वरा हो, चाहे नजफ़ अशरफ़ हो, चाहे करबलाए मुअल्ला हो, चाहे काज़मैन हो, चाहे सामर्रा हो, चाहे मशहद मुक़द्दस हो, ये सब हमारे मराकिज़े रिस्क हैं। लेकिन रिस्क से मुराद फ़कत यही खाना नहीं जो हम खाते हैं, ये सिर्फ हमारे मैदे का रिस्क है, लेकिन ये हमारी फ़िक्र का रिस्क नहीं है, ये हमारे बयान का रिस्क नहीं है, ये हमारी ज़बान का रिस्क नहीं है, ये हमारी बसारत का रिस्क नहीं है, ये हमारी समात का रिस्क नहीं है। हर चीज़ का रिस्क अलग है। अगर इस दिमाग को रिस्क न मिले तो इंसान पागल हो जाए, कुछ समझ नहीं सकता। अगर ज़बान को रोज़ी बंद हो जाए तो इंसान को फिर जायका खाने में नहीं मिल सकता। अगर नाक की रोज़ी बंद हो जाए तो इंसान को खुशबू और बदबू का एहसास नहीं हो सकता। ये हाथ जो उठ रहा है ये तब तक उठेगा जब तक इसको इसकी रोज़ी मिल रही है। जिस दिन इसकी रोज़ी बंद हो गई ये शल हो जाएगा, हम उठाना भी चाहें तो नहीं उठ सकता। जिन कदमों से हम चलते हैं उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक इनको इनकी रोज़ी मिल रही है। जिस दिन इनकी रोज़ी बंद हो गई उसी दिन हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये दिल जो धड़क रहा है इसका मतलब इसको इसकी रोज़ी मिल रही है, आंखें अपना काम कर रही हैं इसका मतलब रोज़ी मिल रही है। तो अल्लाह ने ये कहा कि यह बाउंड नहीं किया कि किसी एक तरह की रोज़ी, हर तरह की रोज़ी उसको मिल रही है। यानी उनकी बसारत को भी रोज़ी मिल रही है, उनकी समात को रोज़ी मिल रही है, उनकी फ़िक्र को रोज़ी मिल रही है, उनके ज़बान को रोज़ी मिल रही है, उनके बयान को रोज़ी मिल रही है, उनके नाम को रोज़ी मिल रही है, उनके पैगाम को रोज़ी मिल रही है। परवरदिगार आलम की बारगाह वही ज़िंदा नहीं है बल्कि उनका नाम भी ज़िंदा है और उनका पैगाम भी ज़िंदा है। और शायद यही वो चैलेंज था जो सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के भरे हुए दरबार में कहा था, जब उस मलऊन के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक पेश किया गया और उसने सर को देख कर कहा कि काश आज हमारे वो बद्र वाले बुज़ुर्ग मौजूद होते और हमें शाबाशी देते और कहते कि यजीद तेरे हाथ कभी शल न हो, और वो देख लेते कि हमने मोहम्मद की औलाद से क्या चुन चुन के बदला लिया है। और न मोहम्मद पर कोई वही आई थी न कोई फ़रिश्ता, ये तो हुकूमत हासिल करने के लिए उन्होंने एक ढोंग रचाया था। माज़ल्लाह, यजीद के अल्फाज थे ये जिस वक्त इमाम हुसैन का सर उसके दरबार में पहुँचा है। तो यही वो मौका था सानिया ज़हरा ने उस भरे हुए दरबार में, जहाँ 700 कुर्सी नशीनों का मजमा था, उस भरे हुए दरबार में चैलेंज किया, यजीद तुझे जो करना है कर डाल, जो करना है कर डाल, खुदा की कसम न तू हमारी वही को मिटा सकता है, यानी न तू हमारे नाम को मिटा सकता है न हमारे पैगाम को मिटा सकता है। आज नाम भी बाकी है पैगाम भी बाकी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त काफ़िला, अहले हरम का लुटा हुआ काफ़िला कूफे से शाम जा रहा है, एक शख्स ने मिहार नाका पकड़ कर बताओ करबला में कौन जीता, तुम्हारे बाप हुसैन या यजीद? तो आपने फरमाया कि मुझसे क्या पूछता है, जिस वक्त मस्जिद से आवाज़ अजान आए तो समझ लेना कि करबला का फ़ातह कौन है। हकीकत में ये मस्जिद के मनारों से आती हुई अजान की आवाज़ें, बुलंद होती हुई अजान की आवाज़ें नहीं है, फ़तेह हुसैनी के नक्कारे हैं जो सुबह शाम बजते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि अय्याम अज़ा की इब्तिदा है, शुरुआत है, ये दिन रोने और रुलाने के हैं। जिस वक्त मुहर्रम का चाँद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम देखते थे, हर मासूम, कोई मासूम ऐसा नहीं है। वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम ज़माना तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने अपने जद्द मज़लूम या अपने पदर बुज़ुर्गवार का मातम न किया हो, मजलिस गम बर्पा न की हो, अज़ाए सैयदुश्शुहदा की तरवीज न की हो, शौक़ न दिलाया हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इब्ने शबीब से फ़रमाया था, इब्ने शबीब जब भी तुम्हें किसी भी मुसीबत पर रोना आए तो मेरे जद्द मज़लूम हुसैन की मुसीबत को याद करके रोना, क्योंकि मेरे जद्द को करबला में मिसल गोसफन के ज़िबा कर दिया गया, जैसे जानवर ज़िबा किए जाते हैं उस तरह से ज़िबा किया गया है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत में मिलता है, जब मुहर्रम का चाँद नमूदार होता था तो मुहर्रम का चाँद देखने के बाद फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लोग नहीं देखते थे और करबला का रुख करके आवाज़ देते थे, ए ज़मीने करबो बला, तूने क़यामत तक के लिए हमें कर्ब और बला में गिरफ़्तार कर दिया। अब ये हमारा कर्ब, ये हमारी बेचैनी, ये हमारा तड़पना ये ख़त्म होने वाला नहीं, ए ज़मीने करबो बला, तूने क़यामत तक के लिए हमें कर्ब और बला में गिरफ़्तार कर दिया। मजलिस का भी अहतमाम किया है। चुनाचे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हों या दूसरे इमाम, हर जगह यही, और ख़ास तौर पर चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, करबला के बाद आपने खुशी की तकरीब में शिरकत छोड़ दी थी। हाँ, अगर कोई मजलिस गम बर्पा करता शरीक होते थे। ज़ुहरी इमाम की खिदमत में हाजिर हुए मदीने में कि मौला मेरे घर में बेटी की शादी है, तकरीब है, लिहाजा आप अपने नूर से मेरे घर को मुनव्वर फरमाएँ, आप आएँगे मेरी इज़्ज़त अफजाई होगी। तो इमाम ने यही फरमाया था, ज़ुहरी जब से मेरा बाबा करबला में शहीद किया गया मैंने खुशी की तकारीब में शिरकत छोड़ दी है, हाँ अगर तुम मेरे बाप की मजलिस गम बर्पा करो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। ज़ुहरी चले गए, घर में खुशी की तकरीब ख़त्म हो गई, शादी हो गई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ज़ुहरी को इमाम की फरमाइश याद आई, अपने घर में मजलिस अदाए सैयदुश्शुहदा का अहतमाम किया, इमाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं कि फ़र्जंद रसूल मैंने आपके पदर बुजुर्गवार की मजलिस गम बर्पा की है। इमाम ने कहा ज़ुहरी ज़रूर आऊँगा। जिस वक्त इमाम तशरीफ़ ले गए, ये कूफ़ा और शाम नहीं है बल्कि मदीना है, लोग इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, सदर मजलिस में इमाम को जगह दी गई, जाकिर मिंबर पर गया। आज हज़ारों साल बाद जब मसाइब करबला बयान होते हैं तो चाहने वालों के दिल तड़प जाते हैं, आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सोचिए जब करबला का वारिस ख़ुद मौजूद हो, हुसैन का सोगवार मौजूद हो, जिस मजलिस में हुसैन का आज़ादार मौजूद हो, जिस मजलिस में वो मौजूद हो जिसने करबला की मुसीबतों को ख़ुद बद देखा है और ख़ुद करबला की मुसीबतें उसने, जाहिर है कि उसके ऊपर भी पड़ी हैं, वो भी हिस्सेदार है करबला की मुसीबतों का। फिर करबला से कूफे, कूफे से शाम तक, जिसे इस हाल में ले जाया गया कि जहाँ नज़रों के सामने बहनें और फुफियाँ बलवायाम में दरबदर फिराई जा रही थी, मजलिस का क्या हाल हुआ होगा। जिस वक्त मजलिस ख़त्म हुई लोगों ने देखा, देखा इमाम अपनी जगह पर नहीं तशरीफ़ फरमा है बल्कि आप वहाँ बैठे हैं जहाँ लोगों ने अपनी नालैन उतारी थी। ज़ुहरी तड़प गए कि मौला आपका ये मकाम नहीं है, आपकी जगह नहीं है, आप तो सदर मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, आका यहाँ क्यों बैठ गए। तो इमाम ने फरमाया ज़ुहरी तुम्हारी ज़ाहिरी निगाहें मुझे देख रही हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मजलिस गम में कौन कौन आया है। इस मजलिस गम में मेरी जद्द माजिदा फ़ातिमा ज़हरा आई हैं, मेरे जद अली मुर्तज़ा आए हैं, मेरे जद रसूल खुदा आए हैं, मेरे चचा हसन मुश्तबा आए हैं। ज़ुहरी ज़ाहिरी निगाहें तुम्हें देख रही हैं लेकिन हकीकत में मैं देख रहा हूँ कि इस मजलिस में कौन कौन आया है। ये महीना गम का महीना है, ये सोगवारी का महीना है, ये आज़ादारी का महीना है, ये उस मज़लूम पर रोने का महीना है जिसने ख़ुद फरमाया आना क़तिलुल अबरा, मैं कुश्ते गिरिया हूँ कि जब भी कोई भी मोमिन मेरा नाम सुनेगा, मेरा नाम लेगा तो उसकी आंख से आंसू जारी हो जाएंगे। लिहाजा याद रखें कि इस महीने में ज़िक्र और गिरिए में कोई कमी नहीं होना चाहिए। परवरदिगार आलम बेहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद हम सब को आज़ादाराने सैयदुश्शुहदा में शुमार फरमाए और हम सब का हश्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब के साथ हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युन क़लबियन क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।